प्लस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी। आज की जानकारी का विषय है मौसम परिवर्तन पर होने वाला सर्दी जुकाम। इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक लिविंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर रामरतन बैनर्जी साहब। मौसम परिवर्तन पर अक्सर ही लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाया करती है और मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक मौसम परिवर्तन पर व्यक्ति इस रोग से पीड़ित अवश्य होता है। क्यों होता है सर्दी जुकाम, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर रामरतन बैनर्जी साहब से। डॉक्टर बैनर्जी, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संजय जी, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए आपको धन्यवाद और अपने सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर बनर्जी, औपचारिकताओं के बाद आप बात करते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय सर्दी जुकाम है जो मौसम परिवर्तन पर अक्सर ही लोगों को पीड़ित किए रहता है और मैं तो ये कहूँगा कि संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कभी न कभी इस रोग से पीड़ित न हुआ हो। तो इसकी गंभीरता पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि उन्हें सर्दी जुकाम का परिचय अवश्य दे दिया जाए। जी, किसी भी मौसम में किसी भी स्थान पर सर्दी जुकाम खांसी जुकाम जकड़न कभी भी कहीं भी और किसी को भी हो ही सकता है। यद्यपि इस बीमारी के प्रति अधिकांश लोग प्रायः गंभीर नहीं होते हैं एवं इसे बहुत ही हल्के रूप में लेते रहते हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जान लें कि ये एक अति भयानक संक्रामक रोग होता ही है। इसलिए आप ये पाएंगे कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता चला जाता है। अधिकांशतः लोग वर्ष में मौसम के बदलने के समय जैसे जाड़ा से गर्मी या जाड़ा से बरसात इत्यादि मौसम में इस रोग के शिकार हो ही जाते हैं। अन्यथा प्रतिवर्ष में कम से कम एक बार तो ये रोग निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को हो ही जाता है। डॉक्टर साहब, ये अति संक्रामक रोग है, इस रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, सर्दी जुकाम रोग के क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स में अचानक से रोगी की नाक में जलन एवं खुजली एवं सरसराहट हो ही जाती है। नाक की श्लैष्मिक झिल्ली में शोथ उत्पन्न होकर नाक से स्राव बहने ही लगता है एवं नाक से स्राव बहने के कारण गले में सरसराहट अनुभव होने ही लगती है। गले में खराश जैसे आभास के साथ साथ सूखापन आ ही जाता है। आँखों में कलबलाहट के साथ साथ आँखों से पानी भी बहने ही लगता है। धीरे 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 हम ये देखते हैं कि 2 से 4 दिन के उपरांत ये रोग प्रथम चरण से दूसरे अवस्था में पहुँच ही जाता है। इस द्वितीय अवस्था में नाक का स्राव गाढ़ा होकर सफ़ेद अथवा हल्का पीलापन लिए हो जाता है। स्राव के लगातार निर्गत होने के कारण नाक बंद हो जाता है, श्वसन कष्ट शुरू हो जाता है तथा नासा संकुचन यानी नेजल कंजेशन की शिकायत भी उत्पन्न हो ही जाती है, जिसमें नाक द्वारा सांस लेने में मरीज को अति कठिनाई होने ही लगती है। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया है, विशेष तौर से बच्चों को होता है, कि बच्चे जब रात में सोते हैं और दिन में उनको सर्दी की शिकायत हुई है
तो उनका जो ये श्लेष्मा होता है काफ़ी वो जकड़ जाता है, जिसके कारण उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, यानी कि वो जो नाक का स्राव होता है वो ठोस में बदल जाता है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है? नाक से निकलने वाला स्राव जब बाहर नहीं हो पाता है और सामान्यतया वो जम जाता है, जिससे नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में अति दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है, एवं इसके साथ साथ नाक के अंदर की झिल्लियों में शोथ यानी सूजन उत्पन्न हो ही जाता है। इस प्रकार की दिक्कत प्रायः छोटे छोटे बच्चों में अधिकतर पाई ही जाती है, जैसा कि आपने अभी अभी कहा है। सर्दी जुखाम से पीड़ित बच्चों को रात में सोने से पहले नाक को अच्छी तरह से साफ करवा देना चाहिए, जिससे कि स्राव के सूखने की समस्या न आने पाए और बच्चा रात को आराम से सो सके। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि रोग जो है प्रथम चरण से द्वितीय चरण में जाता है, तो जब ये रोग सर्दी जुकाम अपने जीर्ण अवस्था में पहुंचता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं? जी, सर्दी एवं जुकाम, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, कि वायरल इन्फेक्शन का परिणाम ही होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण बार बार नासा एलर्जी होकर नाक से अत्यधिक श्लेष्मा बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। जीर्ण अवस्था में पहुंचकर यही सर्दी जुखाम का स्वरूप धीरे 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 बदल जाता है, एवं ये ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, टॉन्सिलाइटिस, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस तथा कान की अस्थियों में सूजन, इसे बहरापन और डेफनेस के लक्षण हो जाते हैं, जिसे हम लोग CSOM यानी क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते ही हैं। डॉक्टर साहब, जो सर्दी जुकाम की समस्याएं आमतौर पर हम लोगों को होती हैं, जिसे हम लोग बहुत सामान्य ढंग से ही लेते हैं, कोई इसको अति गंभीर ढंग से नहीं लेता है, और यह बात में आप अभी बता ही रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जीर्ण अवस्था में जब ये आता है तो बहुत सारे रोगों का जन्मदाता बन जाता है, तो इस बीमारी के आरंभ में होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आप सभी जान गए होंगे कि सर्दी जुखाम वायरल इन्फेक्शन का ही परिणाम होता है, एवं आप ये भी जान लें कि इस रोग के फैलाने वाले वायरसों में राइनो वायरस ही प्रमुख होता है। जब किसी मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की अति कमी किसी भी कारण से हो जाता है, तब उस अवस्था में यदि तापक्रम भिन्नता यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन का वातावरण बन जाता है, तो वायु में उपस्थित राइनो वायरस उस मनुष्य के मेम्ब्रेन पर प्रभावी हो जाता है। ध्यान देने की बात मित्रों यह है कि मौसम परिवर्तन के समय भिन्न भिन्न तरह के वायरस हवा में उपस्थित रहते ही हैं। जब अकस्मात वातावरणीय तापमान बदलता रहता है, उस समय यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं एवं सफाई व स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यही वातावरणीय वायरस मनुष्य में संक्रमण फैलाने चले जाते हैं और फैलाते रहते हैं, एवं हर मनुष्य को या जो भी इनके संपर्क में आते हैं उन्हें रोगी बनाते ही रहते हैं। डॉक्टर बनर्जी, रोगी जब प्रथम बार राइनो वायरस के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन होता है, यानी कि किस प्रकार के लक्षण उसके द्वारा प्रकट होते हैं? जब कोई मनुष्य राइनो वायरस के संपर्क में आ जाता है तो उस व्यक्ति में लक्षणों का प्रकट होना उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता पर संपूर्ण रूप से निर्भर करता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ रोगियों में
तत्काल लक्षण प्रकट होते चले जाते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ समय बाद लक्षण दिखाई देते रहते हैं। तालु एवं श्वसन तंत्र की एलर्जी के कारण नाक की पतली झिल्ली में खुजली होकर छींकें आनी शुरू हो जाती है तथा साथ साथ म्यूकस भी निर्गत होता चला जाता है। इसी के साथ हम ये भी पाते हैं कि आँखों में जलन, सिर में दर्द, शरीर में हल्का हल्का बुखार यानी कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता रहता है। शरीर में हल्का हल्का दर्द की भी शिकायत बनी ही रहती है। गले में खराश एवं खुश्की के कारण रोगी के बार बार पानी पीने की आवश्यकता एवं इच्छा बनी ही रहती है तथा कई रोगियों में तो सीने में धीरे धीरे जकड़न, सीने में भारीपन होने ही लगता है तथा संपूर्ण मांसपेशियों में दर्द की भी शिकायत धीरे धीरे होती चली जाती है। डॉक्टर साहब, इस रोग के संबंध में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और बहुत ही कॉमन बात ये बात होती है कि सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं है, एक निश्चित समय के लिए यह शरीर को प्रभावित करती है और लोगों का ऐसा विश्वास भी रहता है कि कोई दवा करे न करे 3-4 दिन के बाद ही अपने आप ठीक हो सकता है। तो यदि यह धारा लोगों के अंदर बलवती है, जबकि अभी आपने बताया कि यदि यह रोग जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो बहुत सारे रोगों का वाहक हो सकता है, बहुत सारे रोगों का जन्मदाता हो सकता है। तो जो धारणा लोगों के मन में है कि यह बीमारी अपने आप होती है और अपने आप ठीक हो जाएगी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मनुष्य के शरीर में यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो तो आरंभिक दौर में रोग एकदम से ठीक हो जाता है, परंतु आप ये भी जान लें कि उसके लिए भी प्रतिरोधक क्षमता विकास के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती ही रहती है। सामान्य तौर पर रोग समुचित इलाज के अभाव में जीर्ण अवस्था में पहुंचता चला जाता है, जिससे रोगी को अति परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सर्दी जुखाम का संक्रमण काल 5 से 7 दिन का ही माना जाता है। शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम या अधिक होने की स्थिति में इसके लक्षण भी कम या अधिक समय तक बने ही रहते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि सर्दी जुखाम का पुनरावर्तन होकर महीनों वर्षों तक इसके लक्षण प्रकट होते चले ही जाते हैं तथा ऊपरी श्वसन तंत्र में शोथ अथवा ENT यानी ईयर नोज थ्रोट के रोग उत्पन्न होकर धीरे 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 श्वसन तंत्र का निचला भाग भी प्रभावित होता चला ही जाता है, जैसे लंग्स प्लूरा, ब्रोंकाई, फरिंजाइटिस, लैरिंग्स इत्यादि प्रभावित होते चले जाते हैं। डॉक्टर बनर्जी, यदि ये सर्दी जुकाम सामान्य अवस्था से जीर्ण अवस्था में आ जाती है तो एक रोगी के लिए क्या मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसकी जटिलताएं क्या हो सकती हैं? जी, नाक की झिल्ली में एलर्जी के कारण सूजन आ ही जाती है। देखा ये जाता है कि ये सूजन अक्सर सामान्य स्थिति में नहीं होता है, किंतु जब सर्दी जुकाम पुराना यानी जीर्ण हो जाता है तो सूजन धीरे 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 आ ही जाता है एवं इस सूजन होने के कारण काफ़ी समय तक सर्दी जुकाम बना ही रहता है और जल्दी से समाप्त नहीं।